हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये सीरीज चल रही है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके, तो हम इसमें दो तीन क्लास ले चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एससीआर के बारे में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हमारा क्या होता है। ओके, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसी को अपन बोलते हैं क्या, थायरिस्टर। ये थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है, बट ये मोस्टली यूज होता है, इसलिए इसको ही नाम क्या दे दिया गया है, थायरिस्टर। आपको बहुत जगह थायरिस्टर मतलब सब बोलेंगे थायरिस्टर मतलब SCR, बट ये एक थायरिस्टर फैमिली का एक हिस्सा है, मतलब फैमिली का एक सदस्य है। बट होता है ना कि सदस्य में जो मेन होता है उसी को सब लोग जानते हैं, बाकी लोग हैं घर में, लेकिन जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उसी के नाम से वो घर जाना जाता है। जैसे अपना घर है तो अपने पापा के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये उनका घर है, इन फलाने का घर है, उनका घर है, ठीक है। तो वैसे ही है कि ये थायरिस्टर फैमिली का एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चित है, इसलिए इसको ही उनका पूरा फैमिली का नाम इसी को दे दिया है कि थायरिस्टर, ठीक है। तो जो थायरिस्टर है ये किससे मिलके बना होता है हमारा, थायरिस्टर जो है वो दो चीज से मिलके बना होता है, थाई और रिस्टर, मतलब थायरोटोन ट्यूब और ट्रांजिस्टर। तो थायरिस्टर जो होता है वो दो चीज से मिलके बना होता है, एक तो थायरोटोन ट्यूब और एक क्या होता है हमारा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कैसे, अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो थायरिस्टर होता है वो कैसा होता है, एज अ थायरेटोन ट्यूब। और अगर अपन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो होता है हमारा वो कैसा होता है, एज अ ट्रांजिस्टर की तरह होता है, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलके बनता है, पीएन जंक्शन से मिलके बना होता है हमारा, ठीक है। तो जो थायरिस्टर होता है वो इट इज मेड अप ऑफ थायरेटोन ट्यूब प्लस ट्रांजिस्टर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से देखें, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो अपन डिस्कस करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ थायरेटोन ट्यूब की तरह काम करता है, और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। ओके, अब ये दिया है SCR, इसका नाम क्या है, SCR, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, फुल फॉर्म क्या है इसका SCR का, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का फुल फॉर्म क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या है, ये कैसा काम करता है, एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है हमारा, विच कन्वर्ट AC टू DC, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल मतलब इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वो क्या होगा हमारा, कंट्रोल होगा, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और काय से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो SCR जो है वो क्या है, एक टाइप का रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर जो AC को DC में कन्वर्ट करता है हमारा, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, मटेरियल से मिलके बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है हमारा, ठीक है। तो SCR नाम में ही छुपा हुआ है इसका पूरा, कि इसका क्या काम है, तो रेक्टिफायर की तरह काम करना, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोलेबल होगा, और बना किससे होगा हमारा, सिलिकॉन से बना होगा हमारा, ठीक है। तो SCR हो गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब अपन देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारा SCR है वो किस किस से मिलके बना होता है हमारा, ठीक है। SCR कंस्ट्रक्शन अगर अपन इसका देखें, कंस्ट्रक्शन, तो SCR जो होता है ये क्या होता है हमारा, जब अपन दो पीएन जंक्शन को, दो डायोड को, पी और एन, ये एक है और ये एक है, जब अपन दो पीएन जंक्शन को या फिर टू डायोड को, ये एक डायोड हो गया, डायोड क्या होता है पीएन जंक्शन, ये दूसरा डायोड हो गया, ठीक है। जब टू डायोड कनेक्ट बैक टू बैक, इट फॉर्म SCR। जब अपन दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, SCR बन जाता है। तो SCR जो होता है वो क्या होता है, पी एन पी
एनोड होता है, यहाँ एक कैथोड होता है, ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, बैक टू बैक एक के पीछे एक हमारा जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एनोड और ये होगा हमारा कैथोड, ठीक है। इसके साथ इसमें क्या होता है, एक और टर्मिनल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, गेट टर्मिनल। तो अपन सिंपल बोल देते हैं कि जब दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, हमारा एसटीआर बन जाता है, बट उसमें एक और टर्मिनल भी जुड़ जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, गेट टर्मिनल, ठीक है। तो जो हमारा एसटीआर होता है वो कैसा होता है, थायरिस्टर ये ऐसा होता है, पी एन पी एन, इसमें थ्री टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट, ठीक है। तो जो एससीआर होता है हमारा वो अपन क्या बोल सकते हैं, तीन जंक्शन होते हैं, जे वन जे टू जे थ्री। तो एससीआर इज अ फोर लेयर, कितनी लेयर है, फोर, वन टू थ्री फोर, फोर लेयर, थ्री जंक्शन, J1, J2, J3, फोर लेयर, P N P N, थ्री टर्मिनल, कौन कौन सी टर्मिनल है, एनोड, कैथोड और गेट डिवाइस, ठीक है। तो SCR क्या होता है हमारा, फोर लेयर, थ्री टर्मिनल, थ्री जंक्शन डिवाइस होता है। ये पूछ लिया जाता है कि एससीआर कितने लेयर, कितने जंक्शन, कितने टर्मिनल डिवाइस है। तो डायोड अपन ने पढ़ा था, डायोड में क्या थे हमारे, केवल दो हमारे टर्मिनल थे, एक जंक्शन था हमारा, ठीक है, पीएन डिवाइस था, ये क्या हमारा, थ्री जंक्शन, थ्री टर्मिनल, फोर लेयर डिवाइस होता है हमारा, क्या, एससीआर, ओके। तो जो एससीआर में एक्स्ट्रा टर्मिनल है उसके अपेक्षा, डायोड की अपेक्षा वो क्या है, ये है गेट, ये जो है यही क्या है हमारा, कंट्रोलेबल पैरामीटर है, ये गेट के होने से ही जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोलेबल होता है। अगर गेट एब्सेंट रहेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा वो अपन कंट्रोल्ड अपन नहीं कर सकते हैं, गेट के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे अपन गेट को वैरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। तो इसमें तीन मोड होते हैं हमारे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या होता है हमारा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये हमारा एससीआर है। पी एंड पी एन, ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट, ठीक है। जब अपन ने इसको प्लस और ये माइनस, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये कैसा होता है हमारा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो ये है हमारी जंक्शन जे वन जे टू जे थ्री। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो इस टाइप पे जो जंक्शन है हमारे जे वन, ये क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, यहाँ से आया है यहाँ पे, ये प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, सब पे ऐसे ही लगेगा ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीन जंक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें होल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज, जंक्शन जे वन फॉरवर्ड वाइज है, यहाँ पे हो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लस, मतलब ये क्या है, रिवर्स वाइज, और ये क्या हमारा, फॉरवर्ड वाइज हमारा, ठीक है। कैसे अपन और देख सकते हैं, हमारा फॉरवर्ड वाइज मतलब क्या है, जंक्शन जो है हमारा वो क्या हो जाना, हमारा ब्रेक हो जाना, ठीक है। जंक्शन जो है या फिर ये जो रीजन है, ये जो होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन एक लेयर बन जाती है, इसका क्या होना, ब्रेक हो जाएगा हमारी, जब ये जो डिप्लीशन रीजन ब्रेक होगी तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, और अगर नहीं होगी तो वो क्या होगा, रिवर्स वाइज कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसे है, अगर मान लो यहाँ पे हमारा प्लस कनेक्ट है और ये माइनस कनेक्ट, यहाँ पे क्या है, होल्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे, ठीक है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है, यहाँ होल्स होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो प्लस प्लस है, सेम चार्ज, हमने क्या बोला था, सेम चार्ज रिपेल करता है,
तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब धक्का देकर, मतलब ये यहाँ आने की कोशिश करेंगे हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या होंगे, कंबाइन होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ से अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला जंक्शन भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए हमारे, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, ये वाला क्या रहेगा हमारा, रिवर्स वाइज ही रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इस केस में मिल गया, इस केस में मिल गया, अब यहाँ से यहाँ तो कोई जंप करके जा नहीं रहा है हमारा। ठीक है, बहुत कम है कि एक दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं हमारे, मोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मोर एज कंपेयर टू होल्स। अगर इलेक्ट्रॉन 100 हैं तो होल्स 10 होंगे। ठीक है, इतना ज्यादा फर्क होता है हमारे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये कंबाइन हो जाएंगे, फिर भी बचेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाते हैं हमारे, जिसके कारण थोड़ा बहुत करंट हमारा क्या होता है, फ्लो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं हमारा। ठीक है, बस बहुत कम अमाउंट पे। तो अगर अपन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें, तो इस मोड में अपन सिंपल क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो जंक्शन है, जंक्शन J1 और J3 ये क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे। ठीक है, और जंक्शन J2 जो है हमारा वो क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा। ठीक है, जंक्शन J1 J3 जो है वो फॉरवर्ड वाइज होंगे, और जंक्शन J2 जो होता है हमारा वो क्या होगा, हमारा रिवर्स वाइज होगा। तो ये क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब अभी क्या हमारा ब्लॉक है, अभी करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है, ये जंक्शन तो ब्रेक हो गया है, ये भी ब्रेक हो गया है, बट अभी बीच में ये जंक्शन बना हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ अभी क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब बीच में एक बना हुआ है, मतलब ये अभी ब्लॉक करके रखा हुआ है, अभी इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। कब होगा, जब अपन गेट टर्मिनल अप्लाई करेंगे। जब तक अपन ने गेट टर्मिनल अभी अपन ने अप्लाई किया नहीं, नो गेट टर्मिनल। ठीक है, गेट टर्मिनल अभी अपन ने नहीं लगाया, गेट क्या है हमारा, करंट जीरो है, गेट करंट जीरो है, मतलब ये वाला जंक्शन अभी बना हुआ है, जैसे ही अपन गेट टर्मिनल अप्लाई करेंगे, गेट करंट अप्लाई करेंगे, ये जंक्शन भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो एक किस स्टेज में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की स्टेज में आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा J1 J3 और गेट टर्मिनल के थ्रू, मतलब इसके जो ऑन करने के हैं वो बहुत सारे मेथड है, टर्न ऑन मेथड जो है SCR के बहुत सारे हैं, कि कैसे ऑन होगा, ब्लॉकिंग मोड से ये कैसे कंडक्शन मोड में जाएगा। तो या तो गेट लगा के, या फिर अपन क्या करेंगे, इसका वोल्टेज और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारा। जब अपन वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एवलांची ब्रेक डाउन होगा, और जंक्शन J2 क्या होगा हमारा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में पहुंच जाता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, इसमें क्या होता है, J1 J3 रिवर्स वाइज है, फॉरवर्ड वाइज है, और J2 का है रिवर्स वाइज। तो इसकी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो किस टाइप से बनेगी हमारी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो हमारी इस टाइप से बनेगी हमारा। ये अगर हमारा वोल्टेज है VA, ये करंट है हमारा क्या, IA। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की अपन बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, तो ये ऐसे हमारा यहाँ से ये ब्लॉक रहेगा वोल्टेज, फिर ये एक हमारा वोल्टेज आएगा हमारा, सपोज ये करंट तो अभी IG=0 है, तो ये वाला जो मोड है ये कैसा है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, फॉरवर्ड J1 J3 क्या है, ये वाला जो मोड है, ये जो इतना है, ये क्या है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इतना सा, ये इतना करंट फ्लो हो रहा है ना, ये क्या हमारा, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ओके, फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड वाइज, J2 रिवर्स वाइज हो गया हमारा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं किस पे, तो ये वाला जो इतना है बस, ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का। आगे पढ़ते हैं फॉरवर्ड एक कंडक्शन मोड, फिर अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की अगर अपन बात करें, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड,
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो इसमें क्या होगा, जब अपन क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। अभी अपन गेट के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे हैं। जब टर्न ऑन मेथड पढ़ेंगे तब बताएंगे कि गेट के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। अभी जो हमारा ये गेट है ये क्या है, ओपन ही है, मतलब इसमें अपन ने कोई भी नहीं दिया। गेट जो है ये हमारा क्या है, ओपन है हमारा, ठीक है, इसका स्विच ओपन है। तो अगर अपन इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक स्टेज पे क्या होगा, एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा, ठीक है, एवलांची ब्रेकडाउन, और जंक्शन जे टू ब्रेक होगा, ठीक है। मतलब ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, एवलांची ब्रेकडाउन होगा, मतलब बहुत सारे जो है पार्टिकल्स वो होंगे हमारे, क्या बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारा, तो एवलांची ब्रेकडाउन होगा, ये जंक्शन जे टू भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो ये और ये तो ब्रेक ही था, अब ये भी ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा, एक करंट हमारा फ्लो करने लगेगा। अभी भी आई जी क्या है, जीरो, गेट करंट अपन ने अप्लाई नहीं किया है, तो अपन कैसे ऑन कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा के। अगर अपन वोल्टेज इतना बढ़ा दें कि जो जंक्शन जे टू है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो करंट क्या है, अप फ्लो होने लगेगा। तो ये हमारा कहाँ से हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस में चली गई ये हमारी, अब कौन सा स्टेज में चला गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, ठीक है, ब्लॉकिंग मोड से किस में चला गया हमारा, कंडक्शन मोड में। तो अब क्या होगा, हमारा करंट जो है वो क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। तो हमारा इसका कैसा बनेगा, हमारा अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे हमारा कंडक्शन मोड का, तो कैसा बनेगा, ये हमारा अगर ग्राफ है, ये वोल्टेज वी ए, एनोड वोल्टेज, एनोड करंट आई ए, ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या था, ये था, मतलब ब्लॉक था, इतना वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था, फॉरवर्ड लीकेज करंट थोड़ा सा फ्लो हो रहा था। फिर क्या होगा हमारा, ये जो है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आई जी क्या है, जीरो है। तो एक वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आई जी जो है वो जीरो है, एक वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज पे क्या होगा, एवलांची ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा, उस वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज, वी बी ओ, क्या बोलते हैं इस वोल्टेज को, ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। मतलब अपन इतना वोल्टेज बढ़ाएंगे, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इतना इंक्रीज करेंगे कि जो जंक्शन जे टू है हमारा वो ब्रेक हो जाए, तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज, मतलब वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे जंक्शन जो हमारा जे टू बना हुआ है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, वो डिप्लीशन रिजर्व वहां की हमारी खत्म हो जाए उस वोल्टेज। तो इस वोल्टेज पे क्या होगा हमारा, ये ब्रेक होगा, तो अब क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा हमारा, करंट हाई अमाउंट में फ्लो होने लगेगा हमारा, जो वोल्टेज है हमारा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है, करंट हाई अमाउंट में फ्लो होने लगेगा, हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से हमारे यहाँ। अब यहाँ जो वोल्टेज है ये क्या है, कम है हमारा, पहले ब्रेक ओवर वोल्टेज ज्यादा था, अब ये वोल्टेज कम है, और करंट क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा हमारा, करंट क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो करंट है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, आई एल, लैचिंग करंट, ठीक है। तो लैचिंग करंट क्या होता है, वह करंट होता है जब क्या होता है हमारा, जो एस टी आर है वो क्या होता है, ऑन स्टेट में आ जाता है, मतलब लैचिंग करंट जो है वो ऑन स्टेट करंट को बताता है, ये ऑन स्टेट से मतलब रखता है कि जब हमारा सिस्टम का करंट इतना हो जाएगा, मतलब लैचिंग करंट के बराबर होगा, तब वो क्या होगा, ऑन स्टेट कंडीशन में आएगा, मतलब कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक ये हो गया हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड लीकेज करंट, ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये जो मोड है ये हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। करंट अपन जीरो ही रखना है, गेट को सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये जीरो रहेगा हमारा, ठीक है। तो अचानक से इस वोल्टेज पे, ब्रेक ओवर वोल्टेज पे, ये जंक्शन भी ब्रेक हो जाएगा, तो अब क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट
फ्लो होने लगेगा, करंट हाई अमाउंट ऑफ फ्लो होने लगेगा और जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा हमारा, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके और ये क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये रिड्यूस होगा और फिर ये हमारा ऐसे चला जाएगा। तो ये जो करंट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच थायरिस्टर टर्न ऑन दैट करंट इज कॉल्ड लैचिंग करंट, ठीक है। उतना करंट हमारा बढ़ जाए कि इसके बाद थायरिस्टर क्या होता है, ऑन स्टेट में आ जाता है, उस करंट को क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट बोलते हैं। तो ये हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, पहले ब्लॉक था, अब क्या हो गया कंडक्शन, मतलब कंडक्ट करने लगा, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। अब लास्ट क्या हमारा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, पी एन टी एन, ये गेट को ओपन ही रखा है, ठीक है। अब अपन रिवर्स, मतलब इसको माइनस और ये प्लस से कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही होता ना, एनोड और ये कैथोड, रिवर्स वाइज है, पहले यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कैसा है, रिवर्स वाइज, ये कैसा है, रिवर्स वाइज, ये कैसा है, फॉरवर्ड वाइज, ऐसे देखें सिंपली, यहाँ माइनस आया, ये प्लस है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे नहीं, मतलब ये जंक्शन ब्रेक नहीं होगा, ये अपोजिट चार्ज, ये यहाँ इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ आएंगे नहीं, ये जंक्शन भी ब्रेक हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये एक दूसरे के पास जाएंगे और ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ये वाला क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें रिवर्स वाइज में, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करते हैं, तो जो जंक्शन J1 है और J3 है, ये कैसा रहेगा, रिवर्स वाइज, और जो जंक्शन J2 है ये कैसा होगा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। जंक्शन J1 J3 रिवर्स वाइज होगा और जंक्शन जो J2 है हमारा वो कैसा होगा, हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, एक थोड़ा सा लीकेज करंट क्या होगा, फ्लो करेगा हमारा, स्मॉल लीकेज करंट हमारा, ठीक है, स्मॉल लीकेज करंट फ्यू माइक्रो और मिली एम्पियर, माइक्रो और मिली एम्पियर फ्लो, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, स्मॉल लीकेज करंट क्या होगा, हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। फिर एक स्टेज आएगी जब हमारा वोल्टेज क्या होगा, इतना ज्यादा हो जाएगा हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज कि हमारा जो है वो क्या होगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा, ये दोनों जो जंक्शन है J1 J3 ये रिवर्स वाइज है, J2 फॉरवर्ड वाइज है। अगर अपन इसका भी वोल्टेज, जैसे फॉरवर्ड में अपन पढ़ रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग टू कंडक्शन में, कि अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो J2 पे क्या होगा, एवलांची ब्रेक डाउन होगा और ये हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। तो ऐसे ही क्या होगा हमारा रिवर्स वाइज में भी, अगर अपन क्या करते हैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे क्या होगा हमारा रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा क्या होगा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। मान लो ये रिवर्स की बात करते हैं अपन, ये भी और ये आई है, तो अब अपन ने रिवर्स वोल्टेज दिया, मतलब नेगेटिव भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा हमारा होगा फॉर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये कुछ अमाउंट ऑफ रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा है हमारा, फिर एक वोल्टेज आएगा वी बी आर, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, जिसपे क्या होगा हमारा ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे जंक्शन J1 और J3 जो है ये एवलांची ब्रेक डाउन होगा, इनका एवलांची ब्रेक डाउन एट वोल्टेज वी बी आर,
VBR पे जो जंक्शन J1 J3 है इनका एब्लांची ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद क्या होगा, अभी क्या है बहुत कम फ्लो करंट फ्लो हो रहा था, रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है, ये वाला जो मोड है वो क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। जैसे ये वोल्टेज आएगा VBR, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो इस वोल्टेज के बाद क्या होगा, हमारा ब्रेक डाउन होगा और जो करंट है वो हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा सिस्टम में, ठीक है। तो अपन को इंश्योर करना है कि जो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज है, ठीक है, ये क्या है हमारा रिवर्स में है हमारा, तो इसमें क्या होगा, जब ये करंट क्या होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो जो लॉसेस हैं वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ेंगे, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बढ़ेगा और जो SCR है वो बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अपन को इंश्योर करना है कि जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है VBR से ज्यादा हमारा ना हो, VBR से कम ही रहे, ठीक है। तो वोल्टेज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू VBR, मतलब वोल्टेज जो है वो हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है उससे क्या है कम ही रहे, क्योंकि उससे ज्यादा जब होगा तो ये क्या है लीकेज करंट है हमारा, ठीक है, ये जो करंट फ्लो होगा वो लीकेज करंट है, हाई अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा हमारा, ठीक है, ये कोई भी हमारा नॉर्मल करंट नहीं है, यहाँ पे जो है वो कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा था जो बर्क था, बट ये क्या है हमारा लीकेज करंट है, मतलब ये सारा का सारा करंट है वो वर्किंग करंट नहीं है, वो क्या है लॉस कंपोनेंट है। तो लीकेज करंट बढ़ेगा तो हमारा जो लॉसेस है सिस्टम में वो भी बढ़ेंगे, जब लॉस बढ़ेंगे मतलब हीट डिसिपेट हो रही है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपन को हीट सिंक वगैरह अलग से लगाना पड़ेगा उसको कूल करने के लिए, तो और ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, और अदरवाइज वो क्या होगा हमारा बर्नआउट हो जाएगा। तो ये अपन को इंश्योर करना है कि जो हमारा वोल्टेज है वो क्या हो हमारा रिवर्स वोल्टेज से क्या हो हमारा कम हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों मोड। SCR का कंस्ट्रक्शन किन किन से मिलकर बना होता है, तीन मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, थैंक यू।